बलिया जनपद के बांसडी रोड थाना क्षेत्र के रहुआ तिवारी गांव में रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में 26 वर्षीय विवाहिता को जिंदा जलाया गया, जहां घटना के बाद परिजन अपने घर को छोड़कर फरार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए बलिया से राणा प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट। हम आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए भतीजी मीना देवी का। उनके साथ वो ससुराल वाले ने उनको जला दिया था। घटना आज रात के 3 बजे की है। 2008 में शादी रहुआ हुई थी, बांसडी रोड थाना। 32 वर्ष के लगभग उम्र होगी। गांव वालों, वहाँ के गांव वालों ने कोई फोन किया हमारे यहाँ जी, उसी द्वारा मैंने जाना तो वहाँ पर पहुँचा, देखा कि वहाँ पुलिस छापी हुई है जी, और लाश वहीं जली हुई पड़ी है, और उनका एक बुढ़ा केवल ससुर है, सब लोग भाग गए हैं घर से। पुलिस कार्रवाई में है, हम भी तहरीर लिखवाए हैं जी। दहेज के लिए उनसे 2 लाख रुपया वो लोग कह रहे थे कि और मांगो अपने माँ बाप से। अच्छा, हमको दो कम दिया है। लड़की ने सूचना एक बार दी थी जी कि ये हम लोगों को परेशान कर रहे हैं जी। हम लोग जा करके एक दो बार उनको समझाए भी। हाँ, दहेज प्रथा के लिए जला दिया गया। एक ग्राम रहूंगा थाना बांसडी रोड क्षेत्र में, एक विवाहिता जिसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, उसकी जलने से मृत्यु हुई थी, और उसमें उनके परिजनों की तरफ से थाना बांसडी रोड पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 5 उसमें पति और उनके ससुराली पक्ष के 5 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, और इसमें जो दोषी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, और गहनता से विवेचना की जा रही है। इसमें प्रभावी कार्यवाही की जाएगी पूरे मामले जी। आरोप है उसी के आधार पर उनके पति और उनके जो ससुराली जन हैं, पहले उनमें ये भी जानकारी है कि उनमें पति से उनका विवाद भी हुआ था, तो ये जो उनके परिजन हैं उन्होंने दहेज उत्पीड़न करके, क्योंकि शादी करीब है। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ग्राम शिवपुर दिया नंबर 1। हमारे गांव की लड़की का शादी हुआ था रहुआ तिवारी में जी, सूरज सिंह के लड़के के साथ जी, जिसको रात में जला के मार दिए हैं लोग लगभग 3 बजे के आसपास जी। कौन जला के मारा है? ससुराल पक्ष वाले। बार बार पैसे की मांग हो रही थी, पैसे की मांग रात में लगभग 3 बजे।